हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आवर नेक्स्ट लेक्चर। इस लेक्चर में हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे जो नंबर्स का है, उसके बाद हम लोग वर्क एंड टाइम के क्वेश्चंस देखेंगे। तो ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। द नंबर ऑफ स्क्वायर द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ थ्री नंबर्स इज 5000। द रेशियो ऑफ द फर्स्ट एंड द सेकेंड नंबर इज 3:4 एंड दैट ऑफ सेकेंड एंड थर्ड नंबर इज 4:5। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट नंबर एंड थर्ड नंबर। अब देखना है आपको इसमें कि इसमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है डिफरेंस, नंबर्स नहीं पूछे हैं, डिफरेंस पूछा है। और दिया क्या है, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स। तो हमारे पास तीन नंबर हैं, तीनों का स्क्वायर का सम दिया गया है। तीन नंबर जो है हमारे पास वो क्या है, पहला नंबर और दूसरे नंबर का रेशियो 3:4 है, और दूसरे और तीसरे नंबर का रेशियो है 4:5। तो हम लोग नंबर्स को यहां क्या एज्यूम करेंगे, 3x, 4x और 5x। और क्या दिया है, अब हमारा सेटिस्फाई हो रहा है, पहले दोनों नंबर्स का रेशियो 3:4 है जो कि यहाँ पर हो जा रहा है, 3:4 रेशियो इन दोनों के बीच का, और दूसरे नंबर्स का रेशियो है 4:5, वो भी यहाँ सेटिस्फाई हो जा रहा है, इन दोनों का रेशियो 4:5 है। तो अब क्वेश्चन में क्या दिया है, तीनों के स्क्वायर का सम दिया है, मतलब इसका हम लोग को स्क्वायर करना है प्लस इसका स्क्वायर करना है प्लस 5x का स्क्वायर करना है। यह तीनों मिलाकर कितना आता है हमारा, 5x इज 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 25 और 16 41 और 3 का स्क्वायर 9, 41 और 9 50x स्क्वायर। ये तीनों का सम आ रहा है जो किसके बराबर दिया है, 5000 के बराबर दिया है। तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर हमारा आ जाता है 100, एक्स स्क्वायर 100 आ गया, तब x का वैल्यू आ गया 10। अब हमें पूछा गया है डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड थर्ड नंबर। फर्स्ट नंबर हमारा क्या होगा, 3x, और थर्ड नंबर 5x। इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 5x माइनस 3x जो कि हो जाएगा 3x 2x। 5x माइनस 3x इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 20। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन ए, सिंपल था। अब हम लोग आगे क्वेश्चंस देखेंगे वर्क एंड टाइम के। ये एक इम्पॉर्टेंट कैटेगरी है, इससे बहुत से क्वेश्चंस आते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, 12 मेन कैन डू अ सर्टेन वर्क इन 25 डेज, इन हाउ मेनी डेज द सेम वर्क विल बी कंप्लीटेड बाय 10 मेन। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, 12 लोग मिलकर के किसी एक काम 25 दिन काम करते हैं, 12 लोग हैं 25 दिन काम करते हैं, तो कोई काम हो जाता है, ये किसी काम को अंजाम देते हैं। पूछा क्या जा रहा है, अब 10 आदमी को काम करना है तो कितने दिन काम करेंगे। तो 12 आदमी 10 दिन काम कर रहे थे, मतलब कितने आदमी काम किए थे, 25 गुना 12। तो ये लोग जो काम कर रहे थे वो कोई एक पर्टिकुलर काम को पूरा कर रहे थे, उसी काम को करना है 10 आदमी को, तो कितने दिनों में करेंगे। मान लेते हैं हम लोग n दिनों में करेंगे, तब इस बीच वाले पार्ट को इग्नोर करना है हमें, इस पार्ट को हटा देना है, इसको मिटा देता हूं मैं। तो ये दोनों अब बराबर होंगे, यहां से हमें n की वैल्यू निकाल लेनी है, n की वैल्यू कितनी आएगी,
25 गुना 12 भाग 10 जो कि हो जाता है 30, 30 days, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, सिमिलर क्वेश्चन है ये भी जो कि पहले हम देखे हैं अभी जस्ट नाउ, यह भी बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है। और अच्छी बात यह है कि इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, इसमें थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन कुछ इधर का उधर होता है लेकिन सारे क्वेश्चन बनते उसी कॉन्सेप्ट से हैं। इसको हम लोग देखते हैं। एट मैन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 25 days, वर्किंग 8 hours पर डे। हाउ मैनी मैन कैन डू द सेम वर्क फॉर 10 days, वर्किंग 5 hours a day। मतलब इसमें क्या दिया गया है, दिन भी दिया है और घंटे भी दिया है, एक दिन में कितने घंटे काम कर रहे हैं। 8 आदमी काम कर रहे हैं तो टोटल घंटे निकल जाएंगे हम लोग को, कितने घंटे में काम पूरा होगा, पूरा काम कितने घंटे में होगा। 8 आदमी है मल्टीप्लाई बाय 25 दिन काम करते हैं वो लोग, 8 आदमी ने 25 दिन काम किया, कितने घंटे किया, 8 घंटे प्रतिदिन किया। यह कितना काम होना चाहिए, इसी काम को जब 10 आदमी करेंगे 5 घंटे प्रतिदिन करेंगे तो कितने दिनों में पूरा होगा। मान लेते हैं नंबर ऑफ डेज इज, नंबर ऑफ मेन, कितने आदमी लगेंगे, नंबर ऑफ मेन को एन मान लेते हैं। इस इक्वेशन को सॉल्व कर देना और हमारा सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा, 10 कटेगा, 5 5 से कट जाएगा, ये 2 बचेगा, यहाँ यहाँ पर आ जाएगा 5, फिर ये 5 इस 5 से कट जाएगा, ये 2 जाएगा, यहाँ 4 बचेगा। तो हमारा एन का वैल्यू कितना आ गया, 8 गुना 4 32, 32 आदमी इसी काम को पूरा कर देंगे 10 दिनों में। ठीक है, ट्वेल्व मेन कैन रीप 80 hectares इन 16 days, हाउ मैनी हेक्टेयर्स कैन 20 मैन रीप इन 27 days। अब यह क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से अलग है। पिछले क्वेश्चन तक हमने क्या देखा था कि काम सेम है, उसी काम को करने में कितने ज़्यादा या कम आदमी लग सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पे क्या है, काम बदल जा रहा है। अभी 80 hectare को काट दिया था इन्होंने, 12 आदमी ने 16 दिन में 80 hectare काटा था, तो 20 आदमी 27 दिनों में कितने हेक्टेयर काटेंगे। अब काम बदल गया है, काम एक नहीं है। ठीक है, इसमें भी करना तो वही है, हमें काम बदल जाएगा सिर्फ। 12 आदमी थे, 16 दिन काम किए थे, कितना काम कर दिए थे ये लोग, 80 hectare, 80 hectare का काम हो गया था। तो 1 hectare अगर निकालना चाहें हम लोग तो कितना में हो जाता है, यह 12 गुना 16 भाग 80, ठीक है, 1 hectare में इतना समय लगता है। अब हमारे पास है 20 लोग हैं, 27 दिन है, इतना काम होगा, और 1 hectare में जितना समय लगता है उससे इसको डिवाइड कर देते हैं, हो जाएगा। इसको किससे भाग लगा देंगे, 12 गुना 16 भाग 80, सोलह 5 बार में 80 आ जाएगा, ये 4 5 बार में यह जाएगा और यह 3 आ जाएगा,
ये जाएगा, ये 9 आ जाएगा, ये आ जाता है 25 गुना 9, यह किसके बराबर होता है, 225। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये एक दूसरा वैरायटी का क्वेश्चन है, उसी तरह का क्वेश्चन है, इसमें काम दिया है, काम कैसे पूरा होगा इसको निकालना है। क्वेश्चन देखते हैं पहले। सेवन मैन फाइव विमेन, सेवन मैन है फाइव विमेन है और एट चिल्ड्रेन है, इतने लोगों को काम करना था 1740 चॉकलेट बांटने का। तीन दिनों में, ओवर ए पीरियड ऑफ 3 डेज। ऑल ऑफ देम डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द फर्स्ट डे, पहले दिन सभी काम करते हैं। सेकेंड डे टू विमेन और एंड थ्री चिल्ड्रेन रिमेन एबसेंट, मतलब क्या होता है, सेवन मैन तो रहते हैं, सारे मैन हैं, टू विमेन एबसेंट हो गए, पांच में से दो एबसेंट हो गए, तो बचे कितने हैं, थ्री विमेन एंड थ्री चिल्ड्रेन रिमेंड एबसेंट, मतलब आठ में से तीन एबसेंट हो गए तो बचे पांच चिल्ड्रेन। ऑन द थर्ड डे थ्री मैन एबसेंट हो जाएंगे, तो यहां पे कितना बचेगा, चार आदमी है। फाइव चिल्ड्रेन, विमेन कोई भी एबसेंट नहीं है, तो पांच की पांचों आएंगे, तीन नहीं लिखना है यहां पे। पहले दिन पांच विमेन थे, ये पांचों काम पे आ जाएंगे, तीसरे दिन सारी की सारी पांच आ गए। फाइव चिल्ड्रेन रिमेंड एबसेंट, ये पांच के पांच एबसेंट नहीं होते, इस आठ में से पांच एबसेंट होंगे, टोटल आठ थे उसमें से पांच एबसेंट होंगे, तो तीन चिल्ड्रेन आए थे काम पे, तीनों ने मिलकर पूरा काम कर दिया। इफ द रेशियो ऑफ बुक्स डिस्ट्रीब्यूटेड बाय ए मैन वुमेन एंड अ चाइल्ड वॉस इन द रेशियो 5:4:2, 5:4:2 का रेशियो है, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, 5x, 4x और 2x मान सकते हैं। एक दिन में एक आदमी 5x बुक्स बांटता है, एक औरत 4x बुक्स बांटती है, एक बच्चा 2x बुक्स बांटता है, तो अब निकालना है कि दूसरे दिन कितनी बुक्स बांटी गई। यह दूसरा दिन है, इस दिन कितनी बुक्स बांटी गई। क्वेश्चन क्लियर है। पहले दिन इतने लोग काम पे गए थे, सात आदमी, पांच औरतें और आठ बच्चे। दूसरे दिन कितने हो गए, सेवन मैन थ्री विमेन एंड फाइव चिल्ड्रेन। तीसरे दिन हो गया फोर मैन फाइव फाइव विमेन ये फाइव विमेन है और थ्री चिल्ड्रेन, इन लोगों ने मिलकर पूरा काम कर दिया। ठीक है, तो टोटल निकालना है, तीन दिनों में कितनी बुक्स बांटी गई, इन सबको टोटल कर देना है। सात सात 14 और चार 18 मैन, इसको क्वेश्चन को मैं मिटा देता हूँ एक बार, नेक्स्ट पेज में बनाते हैं। तो हमारे पास आ गए थे अब टोटल 18 मैन, विमेन कितनी थी और चिल्ड्रेन कितने थे, पांच तीन आठ और पांच 13 विमेन
13 विमेन और 5 3 8 और 8 सोलह चिल्ड्रेन, 16 चिल्ड्रेन, 13 विमेन और 16 चिल्ड्रेन। तेरह विमेन, 16 चिल्ड्रेन, और रेशियो क्या दिया गया था हमें, 5x, 4x और 2x का, 5x, 4x और 2x, तो 18 इंटू 5 90x हो जाएगा, प्लस 13 इंटू 4 52x, प्लस 16 इन 32x और 52x, टोटल कितना हो जाएगा, 2 2 4, 5 3 8 और 9 17, 174x। ये किसके बराबर दिया हुआ था क्वेश्चन में, 1740 के बराबर। तो सीधा सीधा हमें x का मान मिल गया 10। x का वैल्यू अब 10 हमारे पास आ गया है, तो दूसरे दिन कितना काम हो जाएगा, 7 men into 7 men, 3 women, 5 children, 7 men 2 women और 5 children, 7 men मतलब 7 गुना 5 गुना 10, ये कितना है, 50 है, 50 गुना 7 350, प्लस W का वैल्यू क्या है, 4x जो कि है 40, तो 80, और 5c का क्या वैल्यू है, c का वैल्यू है 2x, 2x मतलब 20, 20 गुना 5 100, जो किसके बराबर हो जाता है, 530। सॉरी, यहाँ 3 women था, 3 women होंगे तो यह 120 हो जाएगा और टोटल हमारा 570 आ जाएगा। हमारा ऑप्शन ए सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख, अब हम लोग आते हैं मिक्सचर के क्वेश्चंस के ऊपर। ये क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा आते हैं एग्जाम्स में, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। कॉन्सेप्ट यहाँ भी वही लगेगा, तरीका थोड़ा सा बदल जाता है, बस थोड़ा सा बदलाव है, ध्यान देना सब समझ में आएगा। इन द 45 लीटर्स मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 5:4। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू बी एडेड सो दैट रिजल्टेंट मिक्सचर विल बी इन द रेशियो 4:5। तो हमारे पास क्या दिया है शुरू में, 45 लीटर्स ऑफ मिक्सचर है, इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो क्या दिया है, 5:4। तो इसमें मिल्क कितना होगा, वाटर कितना होगा, 5 by 5 plus 4 9 होगा,
इंटू 45 फाइव इंटू 45 डिवाइड बाई 9 कि 25 लीटर हो गया मिल्क, और वाटर कितना है, 45 में 25 चला जाएगा तो 20 लीटर वाटर। ठीक है, अब हमें इसमें कुछ पानी मिला देना है ताकि रेशियो कितना हो जाए, 5:4 आ जाए, इस बार 4:5 हो जाए, 5:4 पहले था, 4:5 हो जाएगा कुछ पानी मिलाने के बाद। कुछ पानी मिलाने के बाद हमारे पास मिल्क कितना बचेगा, मिल्क तो 25 ही रहेगा, वाटर कितना हो जाएगा 20+6, ये वाटर हो जाएगा, और मिल्क कितना था, मिल्क तो जो 25 था पहले से वही रहेगा, तो ये हमारा टोटल आ जाएगा 45+6 सॉल्यूशन का वॉल्यूम। ठीक है, अब इसमें हमें चाहिए कि मिल्क जो कि 25 किलो मिल्क है, 25 किलो मिल्क है, कितने में है, 45+x में है, ये 45+x किसके बराबर होना चाहिए, फोर बाय नाइन, इसका मतलब क्या होगा, 9 से 25 गुना हो जाएगा 225 इज इक्वल टू 45 × 4 180 प्लस 4x, मतलब क्या होता है, 4x इज इक्वल टू 225 माइनस 180 कितना हो जाएगा, 45। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 11.25। हमारा आंसर हो गया ऑप्शन डी। समझ में आया कैसे आया ये, वह फिर से देख लो, कॉन्सेप्ट समझ लेना है। टोटल वॉल्यूम हमें दिया था 45 लीटर है, और मिल्क और वाटर का रेशियो दिया था 5:4 का रेशियो दिया था। तो हमने क्या किया, इसमें से निकाल दिया अलग अलग दोनों का वॉल्यूम, देख के सीधा सीधा पता चलना चाहिए, 5:4 का रेशियो है, टोटल 45 है, तो 5+4 9 होता है, 45 को 9 से डिवाइड कर देंगे तो 5 आ जाएगा, 5×5 मिल्क आ गया 25 लीटर, 5×4 वाटर आ गया 20 लीटर। मिल्क और वाटर अब दोनों अलग अलग हमें मिल गए हैं। अब पूछा यह गया है कि इसमें थोड़ा सा पानी मिला दिया गया है, और पानी मिला दिया है तो पानी जो 20 था 20 से बढ़ के 20+x वाटर हो गया, और मिल्क जो 25 था वही रहेगा, टोटल वॉल्यूम हमारा हो गया 45+x, जितना पानी मिला उतना ही दूर और पानी बढ़ेगा, 45 था उसमें 1 लीटर पानी मिला दिया, 45+x हो गया। अब यह मिलाने के बाद हमें दिया गया है कि 25 लीटर जो दूध था वह उसका रेशियो कितना हो जाता है, 4:9। मैंने डिनोमिनेटर में 9 इसलिए लिया है ताकि, इसलिए कि डिनोमिनेटर में यह टोटल वॉल्यूम ले लिया है, ये पूरे मिक्सचर का वॉल्यूम है, तो मिक्सचर का वॉल्यूम 5+4 9 आ जाएगा, यहाँ 25/45+x इज इक्वल टू 4/9। इसको सॉल्व कर देना है, अब 9 और 25 को मल्टीप्लाई कर दिया 225, 4 और 45+x को मल्टीप्लाई किया तो 4×45 180 आ गया, और 4×x 4x आ गया, 4x 180 को दूसरी तरफ ले आते हैं, दूसरी तरफ आ गया 225 - 180 45, जो x का वैल्यू आ गया 45/4 11.25 लीटर। ज़्यादा मुश्किल तो नहीं था, बन रहा है, ऐसे ही बनते चले जाएंगे सारे क्वेश्चंस, ध्यान देना है बस। फिर से उसी तरह का क्वेश्चन है, यह ए मिक्सचर कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 3:2, इस बार रेशियो दिया गया है 3:2,
इफ 4 लीटर्स ऑफ वाटर इज एडेड द प्रपोर्शन बिकम्स 3:4, 3:4 हो जाता है 2 लीटर पानी मिलाने के बाद। मतलब इनिशियल वॉल्यूम क्या था, 3x था और 2x था, और जब 3x प्लस और 2x प्लस कितना हो गया, पानी मिला दिया गया कुछ और, कितना पानी मिला गया है 2x प्लस 4। फाइनल जब यह हो जाता है तो इसका रेशियो ये है। फाइंड द क्वांटिटीज ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो। अब हमें निकालना है x का वैल्यू, x का वैल्यू जब निकल जाएगा तो क्वेश्चन बन जाएगा, तो बस वही कर देना है। इसका रेशियो है 3:4, ये किसके बराबर होगा, 3x डिवाइड बाय 2x प्लस 4, जो क्या हो जाएगा यहाँ पे 6x प्लस 12 इज इक्वल टू 12x सिक्स एक्स इज इक्वल टू 12, एक्स इज इक्वल टू 2। एक्स का जब वैल्यू आ गया तो बहुत ही आराम से 3x का वैल्यू आ जाएगा कितना, 6, और 2x का वैल्यू आ जाएगा 4। तो हमें पूछा गया है मिल्क और वाटर का रेशियो, तो 6 लीटर एंड 4 लीटर हमारा आंसर हो जाएगा। ओरिजिनल मिक्सचर में पूछा गया है, 6 एंड 8 नहीं लिखोगे, 6 एंड 8 लीटर कहने से गलत हो जाएगा, क्योंकि ये 4 लीटर पानी मिलाने के बाद आ रहा है ऐसा, इसको नहीं निकालना है। ओके, समझ में आ रहा है ना बात, क्वेश्चन बनेंगे अब तो। ए मिक्सचर कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 7:4, इस पर रेशियो है 7:4। ऑन एडिंग 9 लीटर्स ऑफ वाटर इन द मिक्सचर क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड वाटर बिकम्स इक्वल। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द सॉल्यूशन। सेम क्वेश्चन है, कोई फर्क है क्या पिछले क्वेश्चन से? इस बार हमें 9 लीटर पानी मिला देना है। 9 लीटर जब मिला देंगे तो क्या होगा, 7x जो इनिशियल मिल्क था वह किसके बराबर हो जाता है, 4x प्लस 9 के बराबर हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 9, एक्स इज इक्वल टू 3। कितना सिंपल था, x का वैल्यू जब 3 आ गया तो 7x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 21, और 4x का वैल्यू हो जाएगा 12। हमें पूछा गया था क्वांटिटी ऑफ मिल्क, 12 निकाल की जरूरत ही नहीं है, 21 आंसर आ गया। फिर से वही क्वेश्चन है, रेशियो ऑफ वाटर एंड अल्कोहल इन एन सॉल्यूशन इज 3:4, 3 लीटर्स ईच ऑफ वाटर एंड अल्कोहल इज एडेड एंड द रेशियो बिकम्स 4:5। फाइंड द इनिशियल वॉल्यूम ऑफ अल्कोहल, इस पर सिर्फ अल्कोहल का वॉल्यूम निकालना है। कैसे करेंगे, वही हमारा स्टैंडर्ड तरीका, कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। पहले था 3x और 4x दोनों का वॉल्यूम, और बाद में कितना होता है, यहां क्या लिखूं, जो पानी ऐड किया था उसी को लिखना है। कितना कितना ऐड किया था, 3 लीटर पानी और 3 लीटर अल्कोहल, तो मतलब 3x से बढ़ के कितना हुआ, 3x प्लस 3, और अल्कोहल कितना हुआ, 4x प्लस 3। यह किसके बराबर हो जाता है रेशियो, 4/5। बस ये सिंपल सा एक इक्वेशन है, इसको सॉल्व कर देना है, इस पार्ट को इग्नोर करना है हमें। तो ये क्या आ जाएगा, 15x प्लस 15 इज इक्वल टू 16x प्लस 12
दिस इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू थ्री। एक्स की वैल्यू जब थ्री आ गई तो इनिशियल सॉल्यूशन ऑफ एल्कोहल कित इनिशियल वॉल्यूम कितना निकल जाएगा, 3x और 4x, 3x इज 9 एंड 4x इज 12, ऑप्शन ए आ गया हमारा। राहुल बॉट टू वेराइटीज ऑफ राइस एट कॉस्ट ऑफ रुपीज 5 पर केजी एंड रुपीज 6 पर केजी एंड मिक्स देम इन सम रेशियो। ही सोल्ड द मिक्सचर एट रुपीज 7 पर केजी मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ 20%। What was the ratio of the mixture? क्वेश्चन समझ में आ रहा है, दो तरह के चावल खरीदे राहुल ने, एक और दो। एक का दाम 5 रुपये प्रति किलो था, दूसरे का दाम 6 रुपये प्रति किलो था। इन दोनों को उसने मिला दिया, कुछ आया यहाँ पे। जो आया उसको बेच दिया उसने 7 रुपये प्रति किलो में, और प्रॉफिट हुआ उसका 20%। तो ये किस रेशियो में मिलाया था यह निकालना है। इसको कैसे स्टार्ट करेंगे, तो ये तो क्वेश्चन में जो था मैंने लिख दिया है। हमारे पास एक तो तरीका है कि मान लेते हैं इन दोनों का रेशियो कुछ और कुछ होगा, उसको मिला देंगे, उसका कुछ दाम निकल जाएगा और फिर उसका कुछ प्रॉफिट निकल जाएगा। लेकिन ये 20% प्रॉफिट होगा, इसकी क्या गारंटी है? हम लोग अगर मान लेते हैं इन दोनों का रेशियो कुछ है, फिर उससे जो निकलता है वह 7 रुपये में वो बेच दिया और फिर उस पर प्रॉफिट भी निकल जाएगी, पर वो 20% होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इसको उल्टा चलना होगा, इधर से चलेंगे, ठीक है। 20% प्रॉफिट है, 7 रुपये के सेलिंग प्राइस है, मतलब कॉस्ट प्राइस उसकी कितनी होगी, 7 डिवाइड बाय 1.2, ये उसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा मिक्सचर का, ठीक है, जो कि 70/12 होगा। और अब हम लोग यह मान लेते हैं कि पहला क्वांटिटी, पहला जो था ये एक्स के जी लेता है और ये 1 - एक्स के जी लेता है, तो मिलकर के बनता है उसका 1 kg मिक्सचर। तो कितना दाम हो गया, पहले वेराइटी का दाम 5x प्लस 6 × 1 - एक्स के जी, ये किसके बराबर होना चाहिए, 70/12, जो कि उसका आ रहा है कॉस्ट प्राइस। तो इसको सॉल्व करके कितना आता है, 6 - एक्स इज इक्वल टू 70/12, मतलब क्या हुआ, 72 - 12x इज इक्वल टू 70, मतलब क्या हुआ, 12x इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 1/6। तो पहला का कितना वेट लेता है वो 1/6 kg, और दूसरे का वेट कितना हो जाएगा, 1 - 1/x, जो किसके बराबर होगा, 1/6 के बराबर है। तो हमारा रेशियो क्या हो जाएगा, हमारा रेशियो हो जाएगा 1/6 = 5/6। दोनों को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा रेशियो आ जाएगा 1:5, जो कि हमारा ऑप्शन सी है। समझ में आया ये क्वेश्चन, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन था यह। हमें दिया गया था कि दो तरह के राइस हैं, एक 5 रुपये प्रति किलो का, एक 6 रुपये प्रति किलो का। इन दोनों को उसने जब मिला दिया तो कुछ मिल्क मिक्सचर बना, उसको उसने बेचा 7 रुपये प्रति किलो पे और 20% का मुनाफा कमाया। तो इस दोनों को किस अनुपात में मिक्स किया गया है, रेशियो निकालना है इन दोनों का। तो हमने मान लिया यहाँ पे कि x किलो पहले वेराइटी का लिया था
दूसरा वेराइटी का 1 माइनस x kg लेता है वो, तो 1 किलो का मिक्सचर बन जाएगा ये, है ना। इधर से x आया, इधर से 1 माइनस x आया, दोनों मिलके 1 kg आ गया। यहाँ ये 7 रुपये में बिक रहा है 20% के प्रॉफिट पे। तो कॉस्ट प्राइस निकालना है सबसे पहले, तो कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे 7 डिवाइड बाय 1.2 जो कि 70/12 होगा। इसको मैंने सॉल्व इसलिए नहीं किया कि आगे इक्वेशन सॉल्व करने में इसकी ज़रूरत पड़ती है हमें, तो ये ध्यान रखना है। जब भी कोई इस तरह का नंबर आ जाए जिसको फाइनली आंसर नहीं लिखना है अभी, उसको फ्रैक्शन के फॉर्म में ही छोड़ देना है या जिस भी फॉर्म में उसी में छोड़ देना है, इसको सॉल्व करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। अभी 70/12 को अगर सॉल्व करके अभी निकाल दूंगा तो इससे क्या फ़ायदा होगा, आगे तो और कैलकुलेशन करनी है इसके ऊपर। तो इसको 70/12 ही छोड़ दिया। अब क्या हुआ, पहला वेराइटी जो एक्स किलो लिया था इसका दाम कितना होगा, 5 किलो था, एक्स किलो लिया है तो 5 गुना x इसका दाम हो गया, और 6 रुपये इसका दाम था, इसको लिया 1 माइनस x kg, 6 × 1 माइनस x kg ये ले लिया, इक्वल टू क्या हो गया, 70/12। इसको अब सीधा सीधा सॉल्व कर देना है, 6 माइनस x = 70/12, 12 लेफ्ट साइड में आ जाएगा, 72 - 12x = 70, 70 को लेफ्ट साइड में लाना है, 12 को राइट साइड में लाना है, 12x = 72 - 70 = 2, x की वैल्यू आ जाएगी 2/12 जो कि हो गया 1/6। तब पहला वेराइटी हो गया 1/6 किलो x, दूसरा वेराइटी हो गया 1 - 1/6 kg, 1 - 1/6 कितना होता है सबको पता है, 5/6, तो रेशियो यही है 1/6 और 5/6 जो कि हो गया 1:5। ठीक है, आज के लिए इतना ही है, अगली क्लास में फिर मिलेंगे हम लोग।